गाइस आज हमारा टॉपिक है वीडियो के ऊपर बैंगलोर बेस्ट स्पोर्ट्स शोरूम। तो फिर हम लोग जाके देखते हैं, क्योंकि मेरे को वहाँ से एक शू लेना है, तो हम लोग जाके शू लेते हैं और देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं। रूल क्योंकि मैं आपको वहाँ पे दो रूल बता देता हूँ, बहुत ही मेन रूल। जैसे कि वहाँ पे हम लोग अंदर गया और हम लोग खा लिया तो वापस नहीं आ सकते, हम लोग को एक आइटम वही करके आना ही होगा। जैसे कि अब कोई कोई लोग होते हैं कि चल जाते हैं बाइक करने चल जाते हैं और खा लिया तो वहाँ पे खेल के आ जाते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो, एक तो एक आइटम चीज़ देके आने होगा, नहीं तो वॉचमैन आपको नहीं छोड़ेगा। तो दूसरा टिप ये है कि वहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है। सो गाइस मैं कितना हो सकता हूँ उतना दिखा पाऊँगा, बाकी सब गॉड की मर्जी। तो भी गाइस हम जाके देखते हैं लोकेशन। तो चलो कैसा हो भाई? आ देखो चेहरा भाई, बहुत उदास लग रहा है। देखो इधर लग रहा है लो फेलियर हो चुका है। जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है? जाओ सब्सक्राइब करो। देखा बॉडी बना जाए उसके। ये क्या कर रहा है? अच्छा सब्सक्राइब करना मेरा चैनल भाई, एजेंट बेस मालूम है ना। हाथ पे हाथ भाई, जैसे कर लो, देख सकते हो कि पीछे दिक्कत वाला है। हम लोग जाके देखते क्या होता है क्या नहीं, किसी क्या लोग हम लोग देख सकते हो। हम लोग यहाँ पे स्केट भी कर सकते हो और हम लोग यहाँ पे बास्केटबॉल फुटबॉल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एक पैसा देना होगा बस। मालूम नहीं कितना कैश है क्योंकि आपको जाके पूछना होगा। जैसे क्या लोग देख सकते हो, बहुत लोग मिस्टेक करते थे शू लेने में। ये सबसे अगर आप लोग शू देखेगा तो सबसे पहला पार्ट ये है। तीन टिप देता हूँ, ये पहला टिप है कि ये देख के लेना, थोड़ा सा स्टिच आउट होगा अभी मत लेना डूड। और सेकेंड ये देखना होगा डूड, क्योंकि ये देख के लेना होता है और ये जल्दी निकल जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। थर्ड ये लेस ठीक से देखना होता है डूड, एक होल तो भी वहाँ बस आप लॉस में आ जाओगे डूड। ये बहुत ज़्यादा हॉकी स्टिक्स मिलता है, कोई किप्स टाइप है, पूरे किप्स टाइप। शूज़ देखो गाइस, ये अच्छा शूज़ है, सॉक्स पूरे किप्स्टा के अंदर। गाइस जर्सी है पूरा, गाइस ऐसे जर्सी अच्छा है डूड। प्राइस एकदम यहाँ पे होगा, अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो प्राइस एकदम यहाँ पे होगा। ये यहाँ पे बैट भी मिलता है डूड, पूरा स्पोर्ट्स के सामान मिलते हैं। तो एक चीज़ दिखाने भूल ही गया डूड, जो कि ये क्रिकेट है। हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या होता है। ये क्रिकेट का है डूड, आप यहाँ पे कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से बैटिंग भी कर सकते हो डूड। आप जैसे कि आप देख सकते हो कि बॉल इधर में अटक के है, आपको मारना होगा, स्विंग आएगा ऐसा मारना होगा। अपना बॉल किसने पहना है, हेलमेट पहना, बहुत
जिसे आप देख सकते हो कि मेरे दोस्तों खेल रहे हैं पीछे। इन लोग को तो बिल्कुल भी नहीं आता क्रिकेट खेलने भाई, तो बिल्कुल नहीं आता। देखो ये हेलमेट पहन के आ गया है। वन सेकंड को जाके ज्वाइन करो गाइस, ये मेरा आर्मी है। आप अब मैं नया आर्मी बना रहा हूँ जो कि मेरा टीम होगा, मेरा आर्मी, मेरा खुद का आर्मी होगा। तो वन साइड आर्मी, ये है मेरा साइन। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो आजू बाजू में, देखो गाइस अलग ही माहौल है डूड। मैं देखो अभी ये ग्लव्स विकेट कीपिंग यानी तो बैट्समैन के लिए भी हो सकता है शायद, अगर आप लोगों को घर पे बच्चे लोगों के लिए बोलना है, अगर हार्ड बॉल नहीं हो रहा है तो हम ऐसा बॉल हम लोग ले सकते हो। यहाँ पे सब कुछ चीज़ मिलता है डूड, पूरा स्पोर्ट्स की चीज़ यहाँ मिलती है। आपको लेना है तो आपको पता है कि ले सकते हो डूड, क्योंकि बहुत अच्छा प्राइस में मिलता है। किसी का देख सकते हो आपको खाता के ले सकते हो, और कुछ खराब हो गया लोग रिपेयर करके देगा आप लोगों को। एकदम फिटनेस है, पूरा कम प्राइस में गाइस हेलमेट पूरा सेफ्टी के साथ देगा। आपको पूरा सेट मिलेगा तो आप बोलते लगते हो गाइस, आप देख सकते हो स्केटबोर्ड डिजाइन सब आप ही चूज कर सकते हो। शूज़ एकदम कमाल के डूडी स्केट्स, इसी का देख सकते हो। अगर ये व्हील अगर स्क्रैप हो गया तो आप लोग नया यहाँ पे रिपेयर कर सकते हो। देखो गाइस डिज़ाइन एक एक नया नया डिज़ाइन के मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे हूँ स्केच के जगह में, और यहाँ पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आके एक बार आप लोग वेव बोर्ड है सेफ्टी के साथ। गाइस आप लोगों को मैं एक पहली बात बता दूँ, ठीक है, आप लोग देख सकते हो स्केच जूनियर, मतलब जूनियर को देना, आपने छोटे बच्चों को देना है तो आप लोग यहाँ पे आके ले सकते हो। रूम बहुत कम प्राइस है, इस हम लोग जाके ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। आप लोग को मैं एक बात बता दूँ, सब लोग मेरे को घूम के देख रहे हैं। कैंप बनाने के लिए भी है टूर, अगर आप आ सकते हो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो। गाइस इसी का देख सकते हो सब कुछ है, बैग्स टिकट वन के गाइस मार्किंग रूल क्या लोग देख सकते हो, यहाँ पे पूरा लिख के एक से एक पूरा लिख के आपको सब कुछ लेकर के लेना चाहिए। कैम कैरम बोर्ड बोर्ड भी मिलेगा, पॉइंट भी मिलेगा। गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो माउंट ट्रैकिंग का लिए यहाँ पे पूरा बैग सब कुछ मिलता है, पूरा कैंप बनाने का लिए। और यहाँ पे मिलता है खास बात योगा मैट भी है, योगा मैट तो आपको यहाँ पे आना है तो ले सकते हो। देखो इसे इसे बैग पुलोवर बैग पैंट सब कुछ। कैंटीन है, आप यहाँ पे आपको खा यहाँ पे कुछ भी खा सकते हैं, क्या वो कैश लेते हैं सही कर लोग ले सकते। और ये पूरा लड़की लोगों का सामान है, पूरे लड़की लोग पहनते हैं सब स्पोर्ट्स। और एक बात बोलूँ गाइस, सब लोग मेरे को घूर के देख रहे हैं डूड, मालूम नहीं क्या मैंने कर दिया हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो करना है मैं करूँगा डूड, मेरे को ब्लॉक करना है मैं करूँगा, मेरी मर्जी। और कोई इसे देखे या नहीं मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता डूड, जैसे चलो देख सकते हो आधा पे ले सकते हो डूड। और ये कैंपिंग करने के तो लोग मिलिट्री में आते हो, जैसे कि ऐसे मिलिट्री बैग जैसे, और बहुत ज़्यादा ऐसा हैट यहाँ पे सब कुछ है। देखो शूज़ यहाँ पे बहुत कुछ है डूड, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा डूड, अगर आप यहाँ पे आएंगे आपको सब कुछ मिलेगा। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूँगा, आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। We'll be right back.
लो जिम की तरफ, ये जिम है डूड, ये जिम है। डाला वो स्टोरी डाल के मेरे वीडियो का, तो आप लोग मेरे को फॉलो नहीं करते चाहिए फॉलो करना, रेटिंग 7। गाइस आप देख सकते हो कि ये भी है जंपिंग करने के लिए। भाई जंपिंग करने में बहुत मजा आ रहा है। आपको क्या पे आना है तो आप लोग कह सकते हो, डिस्क्रिप्शन एड्रेस दे दूंगा। और लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करो जाके फॉलो करो, ये मेरा अकाउंट का यूजर नेम है 1087। सब लोग देख सकते हो कि ये डंबल्स वाले हैं, डंबल्स आप एक्सरसाइज कर सकते हो डूड, आप लोग कर सकते हो एक्सरसाइज, इतना कुछ फर्क नहीं है डूड। और ये भी है डूड, अगर आपको यहाँ पे आना है डूड आप चेक कर सकते हो, जिम भी है डूड। और उधर में लगता है शायद कोई नहीं दिख रहा है, वहाँ पे फुटबॉल है, बास्केटबॉल, आप सब कुछ चेकिंग कर सकते हो डूड। जैसे कि मेरा दोस्त कर रहा है पुलअप्स, कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं, होते रहता है डूड, कोई बात नहीं, करना चाहिए। आधा सा सामान इधर ही है डूड, आना पा के ले सकते हो। इसी का लोग देख सकते हो, ये शायद बनियन होगा पहनने के। और बाय द वे ये सब योगा मैट है, देख सकते हो। और इधर में जूस भी मिलता है डूड, आना पा के ले पी सकते हो, लेकिन पैसा देना होता है डूड, वो तो पक्का है, वो तो लॉयर को। इसी का लोग देख सकते हो कि बेसबॉल का बैट भी है डूड, बेसबॉल का बैट भी है डूड। हाँ हार्ड है डूड, बेसबॉल का बॉल भी है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जैकेट कैसा है, ऑसम कलर के। लेकिन मेरे को, मैं आपको मैंने बोला था कि मेरे को एक शू लेना है, हम लोग जाके शू लेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऊपर में साइकिल लटक के डूड, ऊपर में साइकिल लटक के, और 34,000 है, नहीं 35,000 है, 1 रुपये कम है। तो गाइस बहुत ही अच्छा जगह है, वहाँ पर ऊपर लटका के आप लोग साइकिल भी मोड़ सकते हो डूड। और यहाँ देखो, ये बोलते हैं छोटा सा गोल अपन देगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि पीछे पूरा स्विमिंग कर रखे है। हम लोग को लेना है शूज़, हम लोग को शूज़ लेना है। और हमारे साइज़ के लिए मैंने बोला था आपको, मैं शूज़ मोलने आया हूँ। जैसे कि आप लोग सब लोग देख सकते हो, ये एक एक सबका शू अलग अलग होता है, बच्चे, अंकल, आंटी लोगों को, या पापा, मम्मी, बच्चा, दीदी, भाभी, सब किसी का भी आप लोग ले सकते हो, पूरे स्पोर्ट्स के सामान है डूड। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने ये शू लिया है, ये शूज़, क्योंकि ये शूज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा। गाइस आप लोग, हम लोग यहाँ पे कैश में देंगे। तो गाइस आप लोग ने देखा कि मैंने शू बोला, मैंने बोला था शूज़। गाइस डिकैथलॉन का ब्लॉग इधर ही ख़त्म होता है डूड, शू बोला और अंदर में बहुत मज़ा आया डूड। और मैं आप लोगों को मैं पहले ही बोल दूँ कि आप लोगों को आना चाहिए एक बार, क्योंकि बहुत ही अच्छा जगह है डूड। और पूरे स्पोर्ट्स के सामान मिलते हैं, वो भी अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स के सामान, जिम और बहुत सारे जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल। और जैसा मैं आप लोगों ने सामने देखा कि मैंने लिया शूज़, और बहुत सारे शूज़ थे जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, और मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाया, कितना हो सके उतना दिखा पाया, क्योंकि मैं छुप छुप के वीडियो शूटिंग कर रहा था अंदर में, सब लोग देख रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग छुप छुप के शूटिंग कर रहा था। Okay, bye.